अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। हमारा कोर्स चल रहा है अमेरिका इंग्लिश कोर्स, इसके हम दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, फिर लेसन वन उसका पढ़ाया, लास्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया उसमें लेसन टू के तीनों पार्ट पढ़ाए हैं। हर लेसन में तीन तीन पार्ट चल रहे हैं, हमने उसके तमाम डायलॉग तमाम कन्वर्सेशन आपके सामने रखी है और आपको पूरा समझाया उसको, ठीक है। उर्दू में समझाया है, इंग्लिश में पढ़ी है, उर्दू में उसको समझाया है। आज हम उसी की कंटिन्यूटी वहीं से शुरू करते हैं, हम जहाँ से ख़त्म हुई थी लेसन नंबर टू, लेसन नंबर थ्री शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर थ्री, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, थर्ड लेसन है ये। इसका टॉपिक का नाम है आवर रूम्स, हमारे कमरे। इसका पार्ट वन है, पहले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आपके स्टेयर हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टेयर्स हैं। यहाँ से आदमी ऊपर चढ़ के जाता है, स्टेयर मेहनत लगती है, सांस फूलती है बहुत ज़्यादा। और ये आपका एलिवेटर यानी लिफ्ट है, उसके अंदर अच्छे खासे लोग चले जाते हैं, लिफ्ट में बैठ के चंद सेकंड में बिना किसी मेहनत के आराम से ऊपर चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेटर। ये एलिवेटर है और ये आपका स्टेयर है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी। अब इससे मुतालिक डायलॉग शुरू होते हैं, चलते हैं डायलॉग की तरफ। डैनी यानी मिस्टर कैंट का बेटा है डैनी, कहता है हाय हाय। नेक्स्ट, माय नेम्स डैनी। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू आवर रूम्स। नेक्स्ट, माय पेरेंट्स आर गोइंग इन द एलिवेटर। ये इसके पेरेंट्स बहन भाई सब इसके अंदर एलिवेटर में जा रहे हैं, ये जा रहा है स्टेयर के ज़रिए अपने रूम में। रूम नंबर नाइन इसका है, बाकी सिक्स और सेवन इन सब का है। मेरे वालदैन जो है एलिवेटर में जा रहे हैं यानी लिफ्ट में जा रहे हैं। द गर्ल्स आर गोइंग इन द एलिवेटर टू, जो लड़कियां हैं वो भी एलिवेटर के में ही जा रही हैं यानी लिफ्ट में जा रही हैं वो भी, और टू माने ऑल्सो भी। दे आर टायर्ड, ये पैसिव वाइज है, वो थके हुए हैं। दे आर टायर्ड, वो थके हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग इन द एलिवेटर, अब बता रहे हैं कि मैं एलिवेटर में नहीं जा रहा हूँ। आई एम वॉकिंग अप द स्टेयर, ये स्टेयर से जा रहा है वॉक करते हुए ऊपर अपने फ्लोर पे, ये एलिवेटर में नहीं जा रहा है। आई एम वॉकिंग अप द स्टेयर। चले नेक्स्ट, दिस इज आर होटल, ये हमारा होटल है। दिस इज आर होटल, इट्स अ स्मॉल होटल, इट्स ओल्ड, एक पुराना होटल है। आई लाइक न्यू थिंग्स, मुझे नई चीज़ें पसंद है। आई लाइक न्यू थिंग्स। देर आर 6 फ्लोर्स, इस होटल में 6 फ्लोर्स हैं। देर आर 5 रूम्स ऑन एवरी फ्लोर, हर फ्लोर पे 5 रूम्स हैं। My rooms on the second floor. मेरा कमरा सेकेंड फ्लोर पे। It's number 9. मेरे कमरे का नंबर 9 है. My rooms on the second floor. It's number 9. मेरा कमरा सेकेंड फ्लोर पे. उसका नंबर 9 है. मेरे पास सिर्फ सिंगल रूम है. मेरे पास एक सिंगल रूम है. आगे चलते हैं सफ़े में। स्टूडेंट नेक्स्ट डालो, ये आपके सामने नज़र आ रहा है रेडियो, उसके नीचे है ड्रम्स जो बजते हैं म्यूज़िक वगैरह, ये है ड्रम्स, ये आपके पास ड्रम नज़र आ रहा है आपको, ये रेडियो नज़र आ रहा है, इससे मुतालिक बातें होंगी इसमें। आई'ड लाइक अ बिग रूम, मुझे बड़ा कमरा पसंद है। आई'ड लाइक अ बिग रूम। आई'ड लाइक अ रेडियो इन माई रूम, मुझे अपने कमरे में रेडियो पसंद है। आई लाइक
आई लाइक रेडियो इन माई रूम। आई लाइक म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद है। आई लाइक मॉडर्न म्यूज़िक, मुझे आज का जदीद म्यूज़िक पसंद है। आई लाइक जैज, मुझे जैज पसंद है, जैज भी पसंद है। टू टू माने भी ऑल्सो। आई लाइक द ड्रम्स, मुझे ड्रम्स ही पसंद है बजाने के। जो आई लाइक द ड्रम्स, आई लाइक द ड्रम्स। मॉम एंड डैड डोंट लाइक द ड्रम्स, वालिद और वालदा को ड्रम्स पसंद नहीं है। मॉम एंड डैड डोंट लाइक द ड्रम्स, मॉम एंड डैड डोंट लाइक द ड्रम्स। दे डोंट लाइक मॉडर्न म्यूज़िक, उनको जदीद आज का जो म्यूज़िक है वो पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक मॉडर्न म्यूज़िक, वालिद और वालदा को आज का जदीद म्यूज़िक पसंद नहीं है। दे लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, उनको क्लासिकल पुराना म्यूज़िक पसंद है। दे लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। आह दे आर माई रूम, ओ ये मेरा कमरा है, सांस ली। आह आह हेयर इज़ माई रूम। आगे बढ़ते हैं। आवर बैगेज, हमारा सामान जो है, के ऊपर डायलॉग होंगे। ये पूरी फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है। अब बात होती है जिम, ये रिसेप्शनिस्ट है। जिम, दिस इज़ द सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है। जिम बताता है इनको, ये सेकंड फ्लोर है। और हेयर आर योर रूम, ये आपका कमरा है, ये जिम है, बता रहा है। ये आप, ये सेकंड फ्लोर है, ये आपका कमरा है। ये रूम्स आर 6, 7 एंड 9, आपका कमरा नंबर 6, 7, 9 है। मिस्टर केंट, थैंक यू, वेयर आर यू आर आर सूटकेसेस, हमारे सूटकेसेस कहाँ हैं। जिम, हेयर दे आर, ये रहे। मिस्टर केंट, टेक दी सूटकेसेस इनटू आवर रूम। मिस्टर जेम अपने, मिस्टर केंट अपने कमरे में सूटकेस ले जाते हैं। प्लीज़, जेम को कहते हैं ले जाइए प्लीज़। जेम, यस सर, जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नज़र आ रहा आपको, लेसन नंबर 3 चल रहा है, डायलॉग है। लॉरी यानी कैंट की बेटी, दिस इज माय सूटकेस, ये मेरा सूटकेस है। एंड दैट्स माय सूटकेस, और वो मेरा सूटकेस, वो भी मेरा सूटकेस है। एंड दैट्स माय सूटकेस टू। जिम, ओके। डैनी, डैनी बेटा है मिस्टर कैंट का। आई एम टेकिंग माय सूटकेस, मैं अपना सूटकेस ले जा रहा हूँ। दिस इज कैंट, दैट्स माय बैगेज, ये मेरा सामान है, बैगेज। मिस्टर केंट, आई हैव माय बैगेज, आई हैव माय बैगेज, मेरे पास मेरा सामान है। कैथी, कैथी इज दिस योर स्मॉल बैग, कैथी कहती है कि ये आपका छोटा ये बैग जो है, स्मॉल बैग ये आपका है। मिसेस केंट, नो इट इजेंट, नहीं ये मेरा नहीं है। डैनी, इट्स माय बैग, डैड ये मेरा बैग है, डैड। आगे चलते हैं। दिस इज़ योर रूम, अब वो बताता है जिम उनको, ये आपका कमरा है। वो चला जाता है कमरे पे। दिस इज़ योर रूम, अंदर कमरा दरवाज़ा खोल के बता देता है जिम, दिस इज़ योर रूम। जिम बता रहा है दिस इज़ योर रूम, इशारा करके दिखा रहा है तस्वीर में, ये आपका कमरा है। मिसिस, मिस्टर एंड मिसिस कैंट यहाँ गुजारा, ये डबल रूम है, आपका कमरा है। दिस इज़ योर रूम, जिम ने कहा। मिसिस कैंट, इट्स बिग, ये बड़ा है। मिस्टर कैंट, एंड इट्स हॉट, लेकिन ये गर्म है, और गर्म है। प्लीज़ ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। जिम को कहते खिड़की खोल दो। लेसन 3 चल रहा है। मिसिस कैंट, आई एम नॉट हॉट, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। आई एम कोल्ड, मुझे सर्दी लग रही है। क्लोज द विंडोज़ प्लीज़, बंद कर दिए विंडोज़, ये विंडो नज़र आ रही है आपको, विंडो। जिम, एंड दिस इज़ योर बाथरूम, जिम बताता है ये आपका बाथरूम है, दिखाता है उनको। मिस्टर कैन, इज़ देयर एन आउटलेट फॉर माई रेजर, यहाँ कोई आउटलेट है अपने लेज़र के लिए, खरीदेगा जहाँ से अपना रेजर खरीदे, ये आउटलेट दुकान जो होती है, ये रेजर, इसका रेजर है ये। एन आउटलेट, ये आउटलेट रेजर लगाने वाली, जिसके अंदर लगाएगा ये
और अपना रेजर चलाएगा, इसको आउटलेट कहा इन्होंने, आउटलेट। आगे चलते हैं। जिम कहता है यस देयर इज, इट्स नियर द सिंक, ये सिंक के नीचे आउटलेट जिसमें रेजर लगाएगा फिर चलाएगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। तो मिस्टर केन द लाइट इजेंट वर्किंग, लाइट काम नहीं कर रही है, ये सिंक नजर आ रहा है आपको, लाइट नहीं कम कर रही, प्लीज़ ब्रिंग अ न्यू बल्ब, नया बल्ब लगाएं, लाएं जाके। मिसिस केन कम इन, अंदर आओ, हाय गर्ल्स कम इन, अंदर हाय अंदर आइए, हाय गर्ल्स, कैसी गर्ल्स से मुखातिब होती है, हाय गर्ल्स, अब बल्ब। सैंड्रा आवर रूम्स वंडरफुल, हमारा कमरा खूबसूरत है, बेहतरीन है, सैंड्रा कहती है। देर आर थ्री बिग विंडोज, हमारे तीन बड़ी विंडोज़ हैं। व्हाट्स टाइम, व्हाट्स दैट, वो क्या है, मिसिस कैंट कहती है, मिसिस कैंट कहती है दैट्स द क्लोजेट, वो क्लोजेट है। सैंड्रा इट्स अ बिग क्लोजेट, ये बड़ी क्लोजेट है, एंड यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह चलते 8 हैंगर्स, इसमें इतने हैंगर हैं, 8 हैंगर तक ना इन्होंने गिनती करें। वेयर इज़ द टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ है, मिस्टर मिसिस कैंट कहती है इट्स देयर, वहाँ है। सैंड्रा वेयर, कहाँ, मिसिस कैंट ऑफ द टेबल, टेबल पर। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। लेसन नंबर 3, टॉपिक आई डोंट लाइक माय रूम, मुझे अपना घर पसंद नहीं है। ये मिस्टर कैंड और मिसिस कैंड बैठे हैं, उनका बेटा आता है। आई डोंट लाइक माय रूम, मिसिस कैंड, हाय डैनी, कैसे हो डैनी, हाय डैनी, मिसिस मुखातिब करती है डैनी को, डैनी कमरे में आता है, कम इन, अंदर आ जाओ। डैनी कहता है योर रूम्स नाइस, आपका कमरा बहुत अच्छा है। मिसिस कैंड बोलती है हाय डैनी, कम इन, अंदर आओ। डैम अंदर आता है, योर रूम्स नाइस, आपका कमरा बहुत नाइस है, उमदा है। आई डोंट लाइक माई रूम, मुझे अपना कमरा पसंद नहीं है, इट्स स्मॉल, बहुत छोटा है। योर रूम इज रूम बिग, आपका कमरा बड़ा है। माई रूम्स हॉट, मेरा रूम गर्म भी है। मिसिस कैन ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। डैनी देयर इज ओनली वन विंडो, इसी एक ही खिड़की है, इट्स ओपन, वो खुली भी है। मिस्टर कैन इज देयर आर रेडियो इन योर रूम, डैनी डैनी के अपने कमरे में रेडियो है। डैनी नो देयर इजेंट, वहाँ रेडियो नहीं है। मिस्टर कैन वुड यू लाइक अ रेडियो डैनी, क्या तुम्हें रेडियो पसंद है डैनी। डैनी यस प्लीज, हाँ जा। नेक्स्ट चलते हैं। ये रूम सर्विस वाली आ गई, ये सर्विस करती है, चीज़ें लेकर आती है। नज़र आ रही है रूम सर्विस, ये ला रही है, इसके अंदर 2 कप जो है कॉफ़ी के हैं, बाकी 3 जो है सोडे के हैं, जो ऑर्डर दिया था उसको आ गई। मिसिस कैंट कम इन, अंदर आओ। चैम्बर मेड, चैम्बर मेड नौकरानी है। आई एम दी चैम्बर मेड, मैं चैम्बर मेड हूँ। आई हैव योर ड्रिंक्स, मेरे पास आपके ड्रिंक्स है। मिसिस कैन थैंक यू, शुक्रिया अदा कर दिए। देयर्स ओनली वन ब्लैंकेट ऑन आवर बेड, हमारे अपने सिर्फ एक ही कंबल है। वीड लाइक टू, हमें 2 चाहिए। चैम्बर मेड यस मैडम, जी मैडम। लॉरी बेटी जो होती है, बेटी है कैंड की। इज दैट माई सोडा, ये मेरा सोडा है। चैम्बर मेड यस इट इज़, ये लीजिए। लॉरी गुड, लॉरी गुड, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, अब मैं बेड पे जा रही हूँ। यहाँ ब्लैंकेट ये रहा। हेयर इज योर कॉफी डेव, डेव ये लो अपनी कॉफ़ी लो, ये आपकी कॉफ़ी है। मिस्टर कैन थैंक यू, शुक्रिया अदा करता है मिस्टर कैन। मिस्टर कैन कहते हैं शुक्रिया। डैनी इज दैट माई सोडा, क्या ये मेरा सोडा है। मिसिस कैन यस इट इज, जी हाँ। डेव प्लीज कॉल रूम सर्विस, बुलाओ सर्विस रूम को। डेव कहता है प्लीज कॉल सर्विस रूम को बुलाओ,
आज फॉर अब रेडियो, रेडियो के बारे में कहो उनसे। डैनी ओ, डैनी ओ गुड, ओ गुड। नाउ आई एम हैप्पी टू, अब मैं खुश हूँ। चलें लास्ट चलता है इसका पार्ट थ्री। लेसन थ्री है, पार्ट थ्री है, म्यूजिक के मुतालिक डायलॉग्स हैं इसके अंदर। मैरी हाय बॉब, मैरी कहती हाय बॉब, बॉब कहता हाय मैरी, डू यू हैव अ रेडियो, क्या आपके पास रेडियो है। मैरी यस इट्स इन माय रूम, हाँ मेरे कमरे में है। द म्यूजिक्स नाइस, म्यूजिक बहुत अच्छा है। बॉब इज इट मॉडर्न म्यूजिक, क्या आज का म्यूजिक है वो, जदीद म्यूजिक। मैरी नो इट्स क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक है। बॉब आई डोंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मैं क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं करता। आई लाइक मॉडर्न म्यूजिक एंड जेज, मॉडर्न म्यूजिक और जेज पसंद करता हूँ। रूम सर्विस को फ़ोन कर रहा है वो। चैम्बर मेड डिक फोन कर रहा है। हेलो डिक कहता है इज दिस रूम सर्विस, डिक कह रहा है क्या ये रूम सर्विस है। चैम्बर मेड यस इट इज, जी हाँ आई एम द चैम्बर मेड, मैं चैम्बर मेड हूँ। गुड डिक कहता है गुड, प्लीज ब्रिंग अ ब्लैंकेट टू रूम फोर, रूम फोर के अंदर ब्लैंकेट लेकर आ जाएं। चैम्बर मेड बोलती आर यू कोल्ड, क्या आपको सर्दी लग रही है। डिक कहता है यस वी आर, जी हाँ। चैम्बर मेड कहती है ओके वुड यू लाइक, वुड यू लाइक हॉट ड्रिंक्स टू। डिक बोलता है यस प्लीज। तो स्टूडेंट आपको अभी मैंने इसको डायलॉग को ओपन नहीं, ऊपर नहीं किए थे तो आपको नज़र नहीं आएंगे, दोबारा पढ़ देता हूँ डायलॉग को। यह है चैम्बर मेड हेलो कहता है, हेलो चैम्बर मेड कहती है हेलो। डिक उठाता है, डिक कहता है इज दिस चैम्बर, डिक फोन मिलाता है, चैम्बर मेड बोलती है हेलो। डिक सवाल करता है इज दिस रूम सर्विस, क्या ये रूम सर्विस है। चैम्बर कहता है यस इट इज, आई एम द चैम्बर मेड, मैं चैम्बर मेड हूँ। डिक कहता है गुड, प्लीज ब्रिंग अ ब्लैंकेट टू रूम फोर के अंदर, ब्लैंकेट लेकर आए। चैम्बर मेड बोलती है आर यू कोल्ड, क्या आपको सर्दी लग रही है। डिक कहता है यस वी आर, हाँ मुझे सर्दी लग रही है। चैम्बर मेड ओके वुड यू लाइक हॉट ड्रिंक टू, क्या आपको हॉट ड्रिंक भी चाहिए। डिक कहता है यस प्लीज, जी जनाब। तो स्टूडेंट ये हमारा लेसन नंबर थ्री मुकम्मल हो गया, ये आपको इसकी पिक्चर दिखाई जा रही है रूम के अंदर। ये इस तरह का रूम है आपको जिस पर डायलॉग हुआ है हमारे। आपको कैसा लगा रूम, सिंगल बेड है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, लेसन थ्री हो गया। नेक्स्ट अपने उसमें हम लेसन नंबर फोर शुरू करेंगे, ठीक है, फोर लेसन में। लेकिन चलते हुए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें। लाइक तो आप वैसे ही कर दिया करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारा इतना तो बनता है कि आप उसको लाइक करें। अगर कोई चीज़ आपको हमारी पसंद नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट्स करें, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी चैप्टर फोर से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा। इसका अपलोड होने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा वो ये चैप्टर, ये लेसन नंबर थ्री तक ख़त्म हो गया, लेसन नंबर फोर से शुरू करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।